क्यों इस उदयपुर वाटी की 36 कौम को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे। मीडिया कर्मी जाके उनसे पूछे भाई तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं जो थाने के सामने इन पीड़ितों को बैठना पड़ गया, क्यों बैठे हैं ये। देखो जो उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र ने 36 कौम ने हमें आशीर्वाद दिया, सब लोगों का धन्यवाद है। लोगों ने हमें उम्मीद के साथ वोट दिया था कि कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रहे हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे, उनके दुख तकलीफ में खड़े रहेंगे। इसलिए उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम का बार बार धन्यवाद है। आज उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में 3 मामले चुनाव से पहले हुए थे, 1 मामला चुनाव के बाद में हुआ है। चारों मामलों में लगातार उदयपुर वाटी जिला नीमका थाना के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को, सबको हमने लिखित में ज्ञापन दिया, सबसे कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार को उनको बार बार निवेदन किया कि पीड़ित परिवार को वो आश्वासन दें, पीड़ित परिवार को वो आश्वासन दें। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैंने कल भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ, उदयपुर वाटी में वही नौकरी करेगा जो 36 कौम की सेवा करेगा। या तो वो अपना ट्रांसफर करवा ले या ट्रांसफर करवाना हमें आता है। यहाँ पीड़ित है, जो मामला नांगड़ में हुआ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। पीड़ित परिवार कभी नीम का थाना एसपी साहब के पास जाता है, कभी कलेक्टर महोदय के पास जाता है। थाने के हजारों चक्कर इन पीड़ित परिवार के लोगों ने लगाए हैं। इससे पहले भाई किशन लाल का मामला हुआ, एसडीएम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन सब कुछ हुए, उसके बावजूद भी उसके परिवार को न्याय नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके भी। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के बाद में इन परिवारों की स्थिति जाके देखना आप, और लोगों को दिखाना कि इन परिवारों पे क्या क्या गुजर रही है। जिन अपराधियों ने इनके साथ ये षड्यंत्र करके मौत के घाट उतारा है, वो हमारी मांग एक ही है कि उन अपराधियों को सजा मिले। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से प्रयास कर रहे थे कि इन पीड़ित परिवारों को सहायता मिले, इन जो मुलजिम है वो पकड़े जाएं। आज तक नहीं पकड़े जा रहे। अब मैं सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ पुलिस प्रशासन को, 1 घंटे में या तो आईजी साहब आके यहाँ स्पष्टीकरण करें कि आपके इन मामलों के अंदर ये पीड़ित परिवार के लोगों को, इनके पिताजी को, इनके भाइयों को, इनको आश्वस्त करें कि आपके मामले में ये न्याय हुआ है, ये अन्याय हुआ है, यहाँ तक कार्रवाई हुई है। नहीं किया तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है। ये हाईवे जाम होगा और ये जब भी खुलेगा जब यहाँ न्याय होगा, वरना हाईवे जाम रहेगा। और पुलिस वालों को भी कह देता हूँ, लगा देना, तुम मुफ्त में कितने के लगाओगे और कितने के लोगों को जेल भेजोगे। जेल जाने के लिए भी जनता तैयार है। जा रहा हूँ बनिया, जब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हमें न्याय चाहिए, न्याय और न्याय देनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। बाद आपकी बात नहीं मानी जाती है तो धरना जारी रहेगा। धरना जारी नहीं रहेगा, हाईवे भी जाम हो गया, धरना भी जारी रहेगा। हम यहाँ से पूरा आश्वासन लेके उठेंगे, चाहे समय लगे चाहे कुछ भी हो। हमें पीड़ित परिवारों को संतुष्टि चाहिए। जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होंगे तब तक यथावत रहेगा। और आप देख रहे हो ये लाजमा आप बढ़ना शुरू हो गया है और देखते जाना कितना बढ़ता जाएगा। क्या वजह मानते हो उदयपुर वाटी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है? अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन की विफलता है, पुलिस अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहे, यही है। और क्या अपराधी इन मामलों के बाद में झुंझुनू जिले में, राजस्थान में कई घटनाएं हुई, दूसरे थानों की पुलिस तुरंत खुलासा कर रही है। आप लोग देख रहे हो खुलासा हो रहा है, नहीं हो रहा हो रहा है। जयपुर में 1 मर्डर हुआ था, 5 दिन में खुलासा हो गया, अपराधी जेल में है, वो भी मर्डर ही था ना। ये मर्डर हो गए, आईन में खुलासा क्यों नहीं है? जब उस उन मामलों में खुलासा हो सकता है तो इस मामले में क्यों नहीं है?